हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नो योर बुक्स। आज हम लोग बात करेंगे करण सर की पॉलिटी बारे में। सेकंड एडिशन इस बुक का आ चुका है और बुक मार्केट में अवेलेबल भी हो चुकी है। बुक बहुत ही अच्छी है, करण सर पॉलिटी पढ़ाते ही बहुत अच्छा है। रीज़न मेरा इस बुक का रिव्यू करने का ये था कि जैसे कि स्टूडेंट्स के बीच में बुक की काफ़ी डिमांड है और मेरा रिव्यू करने का सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि बुक परचेज करने से पहले बुक का क्या कंटेंट है आपको मालूम होना चाहिए। बात करें अगर बुक की तो जैसे कि मेंशन है 3500 प्लस इसमें एमसीक्यूज है और कोई भी एग्जाम जिसमें पॉलिटी आपसे पूछा जा रहा है, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एनडीए हो या और भी स्टेट बेस्ड एग्जाम्स हो, सब के लिए बुक आपकी यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें एमसीक्यू दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको मेन रीजन जो मेरे को अच्छा लगा, हर चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको इन्होंने डायग्रामेटिक फॉर्म में पूरा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो एक रिवीजन के पर्पज से भी आपकी बुक बहुत ही यूजफुल रहती है। फिर हर एग्जाम्स के आपके क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं, जैसे मैंने आपको मेंशन किया आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, जितने भी एग्जाम्स हैं सबके क्वेश्चंस दिए गए हैं। बुक सर के ही पब्लिकेशन से पब्लिश्ड है, बुक की एमआरपी आपकी 450 है। और एक चीज और अच्छी है सर की तरफ से कि फ्लिपकार्ट पे ऑफर देके आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइस पे भी अवेलेबल करा दी जा रही है। और बात करें अगर इस तरीके कंटेंट है, जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले उस सर ने प्रीएम्बल का ही पूरी दे दी है इमेज, 50 पोर्शंस इसमें 48 आपके चैप्टर्स दिए हुए हैं, 49 इन्होंने दिया हुआ मेंस परीक्षा के विगत वर्षों के प्रश्न, सिर्फ क्वेश्चंस, और अगर उसके आंसर चाहिए तो ई पीडीएफ फॉर्म में इन्होंने आंसर्स दिए हुए हैं। कुछ चैप्टर्स की बात करें, मैं बुक का एक ऐसे रिव्यू भी कर दूंगा ये क्या क्या इसके कंटेंट है, आप आराम से वीडियो पॉज करके मुश्किल से 20-25 सेकंड के, इससे एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा बुक का कंटेंट किस तरीके का है। क्योंकि बुक मेरा सिर्फ ये मकसद है कि आपको बुक परचेज करने से पहले बुक का कंटेंट पता चल जाए। पीडीएफ और ये सब मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते रहते हैं। जैसे कि कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता दूं, भारत के संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि, संविधान निर्माण की प्रक्रिया एवं प्रमुख समितियां, ये मैं एक वीडियो अभी थोड़ा सा 20 सेकंड बना दूंगा आपको इंडेक्स की और थोड़ा सा कंटेंट की भी बता दूंगा। जो बेस्ट चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है, भारत के संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि, अब ये पूरा आपको डायग्राम फॉर्म में दिया हुआ है, इसके नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहां से आपको पूरा एमसीक्यू दिया हुआ है हर एक एग्जाम का। जैसे कि यहाँ मेंशन भी आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, सारे जितने अच्छे एग्जाम है सबके लिए आपकी बुक पूरा कवर्ड है। बहुत अच्छी बुक है, रिवाइज एडिशन है, सुधार भी इसमें हुए होंगे जो पहले से आई हुई किताब थी। और भी किसी बुक का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसका भी कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, मैं उसके रिव्यू कर दूंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि अभी मैं वीडियो में बता रहा था आपको पॉलिटी वाली बुक के बारे में, तो आप ही अब हम लोग देखेंगे बुक का कंटेंट क्या है। अगर बात करें सबसे पहले प्रीएम्बल दिया हुआ बुक का कंटेंट कुछ इस तरीके, भारत का संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि और संविधान निर्माण की प्रक्रिया, इस तरीके से टोटल 50 चैप्टर्स हैं इसमें और मेंस की आंसर की ई पीडीएफ मिल जाएगी आपको, 496 पेजेस की आपकी बुक है। बुक का कंटेंट कुछ मैं आपको समझा दूं, हर चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले बताया हुआ है, क्वेश्चंस के पहले आपको वन लाइनर फॉर्म में डायग्राम तरीके से पूरा समझाया गया, फिर हर चैप्टर के क्वेश्चन दिए गए आपके, छत्तीसगढ़ पीसीएस का, हरियाणा पीसीएस, इस तरीके से व्याख्या सहित सारे क्वेश्चन हैं। और करीब 500 पेजेस में आपको जैसे राज्य की विधायिका का उसका पूरा डायग्राम फॉर्म में बना के दिया गया सर की तरफ से। बुक अच्छी है, परचेज करने लायक है अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जहां पर क्वालिटी पूछा जा रहा है, या आपकी पूरी बुक की वो थी। और भी किसी बुक का अगर आप रिव्यू चाहते हैं जरूर बताइए, उसकी मैं वीडियो बना दूंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।